साधना सिंह लगा साधना बैठो गाड़ी इसमें आप लोग कैसा लग रहा है ओशो के साथ में जो आपने ध्यान किए या साहित्य पढ़ा जो आप पूर्व से भी आप परिचित हैं जो आप बताएं अद्भुत लगा साहब इसलिए लगा कि स्वयं ये तपोभूमि है ये चार स्थान है हजार बरस से यहाँ अनेकों सन्यासियों द्वारा तपस्वियों द्वारा तपस्या होती रही है त्याग होता रहा है दूसरे कला केंद्र भी है यहाँ हजारों कलाकारों ने भगवान की मूर्तियाँ गढ़ करके विभिन्न आकृतियों में प्रस्थापित की हैं इसलिए कला केंद्र भी है ये सारा जो जनपद है पूरा पहले बड़ा उन्नत था और यहाँ मूर्ति कला का विशेष निर्माण होता था कालांतर में ये मूर्ति बनाने वाली जाति समाप्त हो गई है उस तरह का पत्थर भी समाप्त हो गया है तो ये माना जाता है कि वो जो ओशो के सन्यासी आए पूरे बाहर जी ओशो के बारे में ओशो के बारे में हम क्या कहें भगवान बुद्ध और महावीर के बाद कोई व्यक्तित्व अगर दुनिया में आया है पृथ्वी पर आया है मैं उसको ओशो को मानता हूँ जिन्होंने सारी वर्जनाएँ सारी कुंठाएँ तोड़ करके आदमी से नंगा सत्य कहा दूसरी बात ओशो के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत्ता को उन्होंने इंसानियत का रूप दिया भगवान अलग और इंसान अलग भगवान और इंसान के बीच में कोई तारतम्य नहीं था भगवान और इंसान के बीच में तारतम्य बनाने वाला महान पुरुष पहला हुआ है जो भगवान बुद्ध और महावीर के बाद पहली बार उन्होंने कहा है भगवत्ता आदमी में घटित हो सकती है उसका प्रयास किया जा सकता है ये आप कहाँ से हैं हम महोबा से आए यहाँ शिविर अच्छा लगा आप लोगों ने भाग लिया क्या हाँ भाग दिया है और अच्छा भी लगा सब लोगों से मिल के इतने सन्यासी लोग और अच्छी जगह भी है अच्छा ऐसे हाँ ऐसे ही होना चाहिए वो सुबह से बार हूँ तो ऐसे ही होना चाहिए अच्छे जितने अच्छे ध्यान में और डूबे उतना ही अच्छा है सब लोगों में कितने लोग आपके साथ आए हमारे साथ 15 लोग आए कहाँ से आए महुआ से आए कौन कहाँ से आया हम ललितपुर से आए ये जो तीन दिवसीय ध्यान साधना से भी लगा हाल ही में इसमें आपने भाग लिया तो आप लोगों को कैसा लग रहा बहुत अच्छा लगा और ये जो ध्यान चेत शिविर होते हैं इनसे ओशो की जो देशना है ओशो ने जो संदेश दिए हैं उससे लोगों को अपने आप को रूपांतरित करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है और इस तरह के ध्यान साधना शिविर हर जगह होना चाहिए इससे जो आज समाज में जिस तरह की बुराइयां पैदा हो रही हैं जो समाज में और लोगों के अंदर जो अहंकार से लेकर और जो तमाम तरह की बुराइयां हैं उनको उनसे निजात पाने के लिए ये ध्यान शिविर बहुत ज़रूरी है तो जो आजकल अपने यहाँ होते हैं आसपास ध्यान शिविर क्यों नहीं होते पूरे बुंदेलखंड में ध्यान शिविर होते हैं और आज तो ओशो का काम पूरी दुनिया में इतना बढ़ गया है कि कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ध्यान केंद्र ना बन गए हों लोग अपने घरों में ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं और बड़े बड़े कम्यून बन रहे हैं तो इनका असर समाज में हो रहा है नहीं तो आजकल समाज की ओशो की धारणा के चलने की ज़रूरत है क्या बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि ओशो आधुनिक सदी के संत थे और उन्होंने जो 2000 साल बाद बुद्ध महावीर के बाद ओशो एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी नई चेतना दी और लोगों को जीने का एक नया ढंग दिया आम आदमी आप लोगों में कुछ महसूस होता है कि पहले वो आदमी जैसे ओशो से आप जुड़े हैं तो क्या महसूस करते फर्क नहीं बहुत फर्क महसूस होता है और जीवन को जीने का एक जॉयफुल जिंदगी जीने का और एक करुणापूर्ण जिंदगी जीने का एक संदेश जो ओशो ने दिया है वो लोगों में आता है जब लोग ध्यान करते हैं जब लोग ध्यान में गहराई में उतरते हैं तो लोगों में बड़े परिवर्तन आते हैं आज के समाज में जहाँ इतनी भागम दौड़ है इतनी शिक्षाएं बढ़ गई इतने लोग टेंशन में हैं बिल्कुल मैकेनाइज जिंदगी हो गई ऐसे में ध्यान की महती आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में ओशो की देशना आज के युग के लिए बहुत ही आवश्यक है हालांकि लोग अध्यात्म से पौराणिक काल से जुड़े हुए हैं तरह तरह की विधियां अपनाई गई हैं लेकिन हमारे लिए सबसे उपयोगी ओशो इसलिए है कि हमको आज के संदर्भ में सद्गुरु चाहिए था
और आज की चीज़ें समझ के आज के लिए, जैसे बीमारी आज की हो तो कल की दवा नहीं काम करेगी, तो आज जो बीमारी पैदा हो रही है, जो विकृतियां पैदा हो रहे हैं, उसके लिए उतने समझदार डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी जो आज की संदर्भ में हमें चीज़ें बता सके। और इसलिए ओशो की उपयोगिता और बढ़ जाती है कि ओशो आज के लिए बिल्कुल सटीक है और उन्होंने जो ध्यान की विधि बताई उससे लाखों लाखों लोग इस पृथ्वी पर शांत हुए हैं और उससे लाभान्वित हुए हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हम तो शिक्षा में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, मैंने खुद देखा है कि विद्यार्थियों पर प्रयोग करके मैंने देखा है कि जो विद्यार्थी कल तक शिकायत करते थे कि ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, माइंड शांत नहीं होता है, उनको थोड़ी सी विधि करवाई है और उनका माइंड शांत हुआ है, उनकी रिपोर्टिंग अच्छी आई, उनके रिजल्ट अच्छे आए, उसके परफॉर्मेंस अच्छे आए। तो ये किसी भी क्षेत्र में जब व्यक्ति शांत होगा तो अच्छा कार्य करेगा, शांत होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा और नाना प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाएगी। इसलिए समाज में ओशो की आवश्यकता है और इस शिविर की, ध्यान शिविर की बहुत ही आवश्यकता है। जगह जगह जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जैन मूर्तियाँ हैं, उसका क्या राज है, बराबर क्या कहेंगे? देखिए, भारत बहुत ही अद्वितीय और अपने प्रकार का एक देश है जहाँ की संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है और उसको धरोहर के रूप में मूर्तियों में उसको ढाला गया है ताकि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ शिक्षा ले सके, उनके बताए मार्गों पर चल सकें, कुछ अनुसरण कर सकें। तो ये मूर्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। मनुष्य की सबसे जो प्राचीन भाषा कहलाती है वो है इशारे की भाषा और इशारे को ही मूर्तियों के रूप में ढाला गया है। और जैसे आज काव्य होता है, गीत होते हैं, ठीक इसी तरह से किसी ज़माने में मूर्तियों के माध्यम से चीज़ों की प्रस्तुतिकरण हुआ करती थी। और यहाँ पर भी जो आप जो इतनी ढेर सारी मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये जैनियों का एक धरोहर है। ये परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ओशो कहते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन अगर कोई संप्रदाय है, धर्म है, तो वो जैन धर्म है। और जैन धर्म का इतिहास कम से कम 10 लाख वर्ष का तो है ही। इसमें 24 तीर्थंकर हुए और दो तीर्थंकर के बीच के फासला कोई 2500-5000 वर्ष का फासला है और अगर इसका टोटल किया जाए तो वो लाखों वर्षों में जाके पूरा होता है। और इसकी जो आखिरी कड़ी हैं, जो आखिरी 24वें तीर्थंकर हैं, वो महावीर स्वामी हुए हैं। और महावीर स्वामी चूंकि हमारे बुद्ध के समकक्षी हैं, उसी टाइम के हैं, बुद्ध से थोड़े बड़े थे, लेकिन एक ही समय में बुद्ध भी पैदा हुए, महावीर भी पैदा हुए। और महावीर ने इतना कल्याण किया, मनुष्य जाति के लिए इतना कल्याण किया, क्या वो अनूठा है, वैसा शायद किसी ने नहीं किया। अभी जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ढेर सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आज जो पैदा हुए हैं, शायद वो महावीर के बताए मार्ग से ही, पेड़ पौधे से आज मनुष्य हो सके हैं, ऐसा कहते। हाँ, कुछ ये मानते हैं कि जैन धर्म शायद सबसे पुराना धर्म हो सकता है। यस, दिस इज द एंशियंट रिलीजन। ये हालांकि सनातन धर्म जो हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म, तो सनातन का तो मतलब होता है जो सदा से है और उसको हिंदू से आप नहीं जोड़ सकते सनातन को। सनातन तो सभी का है, वो तो सदा से है। लेकिन ये जो परंपरा की जहां आप बात करेंगे, तो जैन की जो परंपरा है एकदम सुनिश्चित परंपरा है और ये 10 लाख वर्ष का है। और 10 लाख वर्ष हमने समझते हैं कि दूसरे किसी धर्म का कोई इतिहास दिखाई देता है। तो उसकी कड़ी है महावीर। महावीर के संबंध में हम थोड़ी सी बात बता रहे थे आपसे कि महावीर उसके अंतिम कड़ी हैं और महावीर ने बहुत कुछ दिया है। और चूंकि ये बुद्ध के समय में थे, आज से 2500 साल पहले, इसलिए ढेर सारे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनको समझ सकते हैं और उनके बताए मार्गों पर आज भी लोग चल रहे हैं और चल सकते हैं। और जैसे आप उनके बताए मार्गों पर चलेंगे, आप में रूपांतरण सुनिश्चित है।
करके देखें, केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकली अपने भीतर उतारें, ध्यान में डूबें, तो ही कुछ अनुभव आएगा, तो ही आप सच्चे